आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। गोपालगंज जिले के श्रीपुर ओपी क्षेत्र के मिश्र बतराहा गांव में हुए किन्नर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने खुलासा करते हुए बताया कि किन्नर की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। फिलहाल हत्यारोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त चाकू और बाइक भी बरामद किया गया है। दरअसल एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पिछले 26 जुलाई को करीब 3 बजे मिश्र बतराहा श्रीपुर जाने वाली सड़क पर अवस्थित जमुनी डीग में संजय सिंह के मकान में रह रही प्रिया नाम की किन्नर की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा गला रेत कर दिया गया था। इस संदर्भ में श्रीपुर ओपी थाना में एक कांड दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के माध्यम से कांड का उद्भेदन करते हुए कांड का मुख्य अभियुक्त मनु कुमार साह को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू तथा मृतक का मोबाइल एवं आधार कार्ड बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में मनु कुमार साह द्वारा हत्या करने की बात स्वीकार की गई है। एसपी ने बताया कि पूर्व से दोनों के बीच प्रेम संबंध था और बाद में इनकार करने पर घटना को अंजाम दिया गया। वहीं आरोपी मनु ने बताया कि पिछले 3 साल से ही उसके साथ प्रेम प्रसंग था, लेकिन बाद में उसका संबंध किसी अन्य युवक से हो गया था। इस बीच वह उससे पिंड छुड़ाना चाहती थी और पैसे की डिमांड करती थी, साथ ही धमकी देती थी। को एक किन्नर प्रिया कुमारी की हत्या कर दी गई थी श्रीपुर ओपी अंतर्गत, और किन्नर हत्याकांड का खुलासा हो चुका है और इस घटना में जो शामिल मुख्य अभियुक्त मनु कुमार साह उसको गिरफ्तार किया गया है और जिस हथियार का उसने प्रयोग किया था चाकू उसको भी बरामद किया गया है और इसके पास से मृतक का आधार कार्ड और मृतक का मोबाइल भी बरामद किया गया है और घटना में जो शामिल मोटरसाइकिल है उसको भी बरामद किया गया है। इस प्रकार से यह अनुसंधान अब समाप्त होता है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय में अग्रसारित करते हुए हम लोग केस को चार्जशीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से जल्द सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। हत्या की जो मुख्य वजह है ये पूछताछ में इसने बताया है कि प्रेम संबंध इनका कुछ महीनों से चल रहा था, बाद में इस पे आपत्ति जताया गया था मृतक के द्वारा और इसी बात से आक्रोशित होकर इसने ये घटना को अंजाम दिया था। क्या अभियुक्त अकेले था कि कोई और भी था? अब तक के अनुसंधान में पता चला कि इसने ये घटना खुद ही कारित किया है और इसमें यही शामिल था। थामेसरे थाने के पैठान पट्टी बाजार से चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर सामान सहित नगद 5,000 रुपए की चोरी कर ली, जिसको लेकर पैठान पट्टी गांव के अफजल अहमद ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुकानदार अफजल अहमद ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि सोमवार की रात 10 बजे दुकान बंद कर घर चला गया। जब सुबह 6 बजे दुकान पर आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान में रखा गया सर्फ, साबुन, तेल, क्रीम, शैम्पू व कोल्ड ड्रिंक सहित अन्य सामानों के साथ नगद 5,000 रुपए की चोरी अज्ञात चोरों के द्वारा कर ली गई है, जिसको लेकर दुकानदार अफजल अहमद ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने पिछले 5 साल से तोड़े सारे रिकॉर्ड। जुलाई महीने में 30 दिन के अंदर 51,629 लीटर शराब किया है जब्त, 833 लोगों को किया है गिरफ्तार, जिसमें 322 शराब के धंधा करने वाले को तो शराब के नशे में 511 लोगों को किया गया है गिरफ्तार, 170 वाहनों को पुलिस ने किया है जब्त, जिसमें 8 ट्रक, 33 चार चक्के की गाड़ी, 122 दो चक्के की गाड़ी और 7 तीन चक्की वाहन को जब्त किया गया है। शराब बरामद मामले में जिले का नंबर 1 कुचायकोट थाना अकेले 31,000 लीटर शराब जब्त किया है तो दूसरे स्थान पर रहा जादूपुर थाना, 4500 लीटर शराब जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने इन सब की जानकारी दी। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा 2 अगस्त 2023 को पुनः युद्ध स्तर पर प्रारंभ की गई है बिहार जाति जनगणना कार्य का निरीक्षण किया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी ने गोपालगंज प्रखंड के वस्त्रीला पंचायत में निरीक्षण किया और प्रगणक और सुपरवाइजर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समारोह सभा कक्ष में रेड क्रॉस सोसाइटी गोपालगंज शाखा का प्रबंध समिति की बैठक की गई। संबंधित बैठक में रेड क्रॉस सोसाइटी गोपालगंज शाखा का जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्व समिति से अध्यक्ष तारकेश्वर प्रसाद, उपाध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी,
कोषाध्यक्ष नबी अहमद उर्फ बाबू भाई और सचिव पद पर ज्योति प्रकाश बर्नवाल को चुना गया। चयन के पश्चात प्रबंध समिति द्वारा सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को प्रबंध समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा प्रबंध समिति को जिले में मानव सेवा के लिए कार्य योजना तैयार कर इस हेतु प्रयास कर इसे धरातल पर लाने की अपील की गई। विजयपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गांव पगरा के सह डिग्री में एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी बिजली के खंभे को तोड़ते हुए सड़क किनारे मकान में टकराई। बताया जाता है कि विजयपुर थाना क्षेत्र के धुवल निवासी मिराज अंसारी अपनी बोलेरो गाड़ी से मरीज लेकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज गया हुआ था। वापस आने के क्रम में जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा पार करते हुए बिहार में प्रवेश कर रहा था कि अचानक उसकी पलक झप गई और तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी बिजली के खंभे से तोड़ती हुई सड़क किनारे स्थित गोपाली के मकान से टकरा गई। घटना सुबह के लगभग 4 बजे का है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं है, लेकिन आसपास के लोग बाल बाल बच गए। मकान मालिक गोपाल जी अपने गेट के अंदर कुर्सी पर बैठे हुए थे और गेट का चैनल का अधिकांश हिस्सा बंद था। अगर गेट का चैनल बंद नहीं होता तो शायद ही गोपाल जी जीवित होती और इस घटना का गवाह बन पाती। ये सड़क उत्तर प्रदेश के देवरिया और बिहार के गोपालगंज को पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में विभाजित करता है और इसी सड़क के किनारे घनी आबादी है और दोनों प्रदेश के लोग सुबह शाम एक दूसरे के दरवाजे पर चाय की चुस्कियां लेते हैं। अगर उस समय ये घटना होती तो जान माल की क्षति निश्चित थी। हालांकि गाड़ी UP52BN3111 बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस DAV हाई स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज। जिले का गौरव 73 वर्षों से गोपालगंज की सबसे भरोसेमंद जेवर की दुकान रामकृष्ण ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का ह्यूड हॉलमार्क सोने चांदी के साथ IGI द्वारा प्रमाणित हीरे का जेवर भी उपलब्ध है। BIS 916 हॉलमार्क शुद्ध सोना, संपूर्ण पारदर्शिता, GIA प्रमाणित हीरा, गोल्ड एक्सचेंज पर शून्य कटौती, आजीवन मेंटेनेंस का वादा, गोल्ड ज्वेलरी पर 25% और डायमंड ज्वेलरी पर 20% तक की छूट। हमारे यहाँ लगे कैरेटोमीटर से सोने चांदी के गहनों की शुद्धता की जांच ग्राहक स्वयं करें, वो भी निशुल्क। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड गोपालगंज। विगत 28 वर्षों से आपकी आस्था एवं विश्वास का प्रतीक JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, जहां CBC पैटर्न पर आधारित को एडुकेशन कैरिकुलम NCERT क्लास नर्सरी से 10th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल। साथ ही हमारे यहां 25% सीट रिजर्व फॉर BPL फैमिली, साइंस लैब फैसिलिटीज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, स्मार्ट क्लासेस एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर ईच स्टूडेंट, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन ओपन फॉर 2023-24 सेशन। JDS पब्लिक स्कूल एंड प्रताप कोचिंग सेंटर, रामनाथ पथ, सरस्वती नगर, वार्ड नंबर 12, गोपालगंज। भारतीय जीवन बीमा निगम गोपालगंज के बीमा सलाहकारों को बंजारी रोड स्थित किंग फूड होटल में ट्रेनर संतोष कुमार के द्वारा बीमा सलाहकारों को बीमा संबंधित जानकारी लोगों को पहुंचाने की जानकारी विस्तार से दी गई। इस मौके पर विकास अधिकारी अरशद मतलूब, ADM अविनाश कुमार, बीमा सलाहकार बसंत कुमार, टुनटुन कुमार, तारकेश्वर प्रसाद, शमी मोहम्मद, मोहम्मद फिरोज, कमलेश्वर प्रसाद, एस प्रसाद, अजीत कुमार, सुनील कुमार सहित करीब 70 बीमा सलाहकार सम्मिलित हुए। इस मौके पर अच्छे कार्य करने वाले बीमा सलाहकारों को सम्मानित भी किया गया। गोपालगंज भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहर के मोनिया चौक पर बिहार सरकार के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अनुज सिंह ने बताया कि बिहार सरकार 10 लाख नौकरी के झूठे वादे करके लोगों को गुमराह कर रही है और जब भाजपा इसका जवाब मांगने सड़क पर उतरती है तो हमारे नेताओं पर लाठियां चलाकर उनकी हत्या तक करवाई जा रही है। बिहार की इस निरंकुश सरकार को आईना दिखाने और नीतीश कुमार की अहंकारी तथा झूठे चेहरे से पर्दा हटाने के लिए पूरे राज्य में यह अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में गोपालगंज के सभी प्रखंडों के हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा नेता उमेश प्रधान,
जय हिंद प्रसाद, राजेश राय, दीपक कुमार दीपू, आदित्य सिन्हा, जनक किशोर, अभिषेक पांडे, मोहित पटेल, हैप्पी दुबे, राजन ओझा, फरहान अख्तर, रितेश सिंह, दुर्गा राय, राजू चौबे, संदीप गिरी मौजूद रहे। इस अभियान का उद्देश्य है बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगार युवाओं के लिए हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान, राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में कर रही है। नीतीश कुमार की जो निरंकुश सरकार, जो आज अपराध चरम सीमा पे बढ़ के हो गया है, सुशासन का जो ढोंग रचाते हैं लेकिन आज कुशासन के रूप में उनकी सरकार काम कर रही है, उसी के विरोध में हम लोग आज हस्ताक्षर अभियान गोपालगंज में आयोजित किए हैं और यह हस्ताक्षर अभियान हर मंडल स्तर, हर ब्लॉक तक हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज सिंह हुआ, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपालगंज। सिदौलिया प्रखंड के बुचिया मठिया गांव में इमाम हुसैन की याद में सुहदाय करबला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोपालगंज के मौलाना इजहार ने किया। कॉन्फ्रेंस के शुरुआती दौर में इमाम हुसैन की याद में हजरत कारी अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी ने आका ने कहा हमारी हुसैन है, उन्मत से कहा रहमत बारी हुसैन है, माहो नजूम रस्म कमर इश्क है, गवाह सारी फौज पे भारी हुसैन है। मंच का संचालन सिवान के मजहर हुसैन बैकुंठपुर के विधायक को सम्मानित किए। मौके पर अली अकबर, इस्माइल अंसारी, जुल्फिकार अली, रिजवान उर्फ राजू गुड्डू, मोहम्मद हुसैन समीम, शुभ नारायण यादव, बिरूलाल माझी सहित सैकड़ों श्रोता एवं दर्शक उपस्थित थे। 31 जुलाई को लाइन बाजार में हुए दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा इसमें शामिल अन्य लोगों को भी पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि लाइन बाजार का सद्दाम अली पिता सुल्तान मियां के द्वारा एक वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वायरल किया गया था, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा आपत्ति जताई गई और इसी को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई थी। इसमें वीडियो वायरल करने वाले मुख्य आरोपी सद्दाम अली सहित 15 लोग गिरफ्तार हैं और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है तथा इन आरोपियों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस मामले के बाद गोपालगंज के युवाओं से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई ऐसा वीडियो या फोटो या ऑडियो पोस्ट न करे जिससे सामाजिक सद्भावना आहत हो या कोई विवाद पैदा हो। ऐसा करने वाले लोगों पर पुलिस की ITI सेल नजर रखती है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है, जिसकी वजह से दोषी युवाओं को उनके भविष्य में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। गोपालगंज के कार्यालय कर्पूरी सभागार में जदयू नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से जदयू नेताओं ने माननीय उच्च न्यायालय के जातीय जनगणना कराने को लेकर दिए गए ऐतिहासिक फैसला पर स्वागत एवं हर्ष व्यक्त किया। जदयू जिलाध्यक्ष आदिशंकर शाही की अध्यक्षता में जदयू नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनहित एवं समाज के पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं गणना को लेकर कराए जा रहे जातीय जनगणना पर माननीय न्यायालय ने अपनी सहमति दी, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। गोपालगंज नगर थाना के पुलिस ने रात्रि गश्ती के क्रम में बंजारी मोड़ से एक कार को पकड़ा, जिसमें पुलिस को 75 पीस किंग फिशर बियर मिली, जिसकी कुल मात्रा 37.5 लीटर बताई जा रही है। इस बियर के साथ एक महिला सहित दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक आरोपी बबलू कुमार पिता नंद किशोर राम एवं किरण देवी पति नवल किशोर, दोनों साकिम रामपुर जयपाल थाना बोचहा जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है और इनके कार तथा शराब को जब्त किया गया है। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत 1.5 दर्जन आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित टीकाकरण कराया गया। नियमित टीकाकरण के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्ची एवं गर्भवती महिलाओं को ENM द्वारा आंगनबाड़ी सेविका के सहयोग से ड्यू बुक के अनुसार टीका लगाकर प्रतिरक्षित किया गया। बताते चले कि सप्ताह में 4 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को नियमित टीकाकरण कराया जाता है। टीकाकरण आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा कराया जाता है, परंतु करीब 3 सप्ताह से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर रहने के कारण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को ठेंगा दिखाते हुए आंगनबाड़ी सेविका के सहयोग लेकर टीकाकरण करा रहे हैं, परंतु टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण यह है कि बहुत आशा कार्यकर्ता अपने पोषक क्षेत्र के ड्यू बुक और टीकाकरण रजिस्टर एवं RI कार्ड अपने पास रखी हुई है, टीकाकरण कार्य बाधित हो सके।
तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।